Hello students, nice morning to all of you. This is Sugan Chaudhary and today we will do our remaining chapter of Christmas Eve. This is our second part that we will discuss today, and before that we have already done with the first part and line to line explanation of this chapter of our class 8th Olivia book. So without wasting much of your time, let's start our chapter. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने इस चैप्टर में ये रिवाइज किया है कि जो डेला एंड जेम है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड डेला अपने वालों को कट करवा लेती है बिकॉज ऑफ $20. सो अपने हेयर कट लेने के बाद उसने अपने हस्बैंड जेम के लिए एक फॉब चेन लिए उसे गिफ्ट देने के लिए एज अ क्रिसमस गिफ्ट, एंड अभी वो घर पे आके अपने आप को मिरर में देख रही होती है, वो एक अपना लुक ले रही होती है मिरर में से. सो लेट्स स्टार्ट. If Jim doesn't kill me before he takes a second look at me, said Della to herself. Della ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि जो जिम है, जो मेरे हस्बैंड है, वो मुझे मारेंगे इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा तो ऑब्वियसली उन्हें आएगा, बट वट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ. ओह, वट कुड आई डू विद $1.87. तो वो सोचते हैं कि और वैसे भी मैं क्या कर सकती थी $1.87, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, इतनी कम अमाउंट में कुछ भी नहीं आता. तो वो सोच रही थी मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो जो मैंने किया वो परफेक्ट किया. At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was ready to cook the chops. 7 बजे कॉफ़ी बना ली थी एंड जो फ्राइंग पैन था, जो फ्राई पैन होता है घर में, वो बिल्कुल तैयार था चॉप्स को कुक करने के लिए. चॉप्स क्या होते हैं? थिक स्लाइसेस ऑफ मीट, जो मतलब नॉनवेज की हैवी स्लाइसेस, थिक स्लाइसेस. जिम वॉज नेवर लेट, जो उसके हस्बैंड थे जिम, वो कभी भी लेट नहीं होते थे. डेला डाउटेड द फॉर्ब चेन इन हर हैंड डबल्ड सॉरी Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door. जो fob chain थी उसने उसको डबल कर लिया था और वह टेबल के कॉर्नर पर बैठ गई थी. Then she heard his steps on the stairs below. Then उसने सुना कि वो जिससे जो जिम है वो अब आ गए हैं. She turned white. वो एकदम से white हो गई थी ये सोच के कि जो जिम है वो उसे क्या बोलेंगे, क्योंकि उसने अपना हेयर कट करवा लिया. For just a moment, she had the habit of saying little prayers about simple things. मतलब उसे छोटे छोटे चीज़ों पे प्रे करने की आदत होती थी. प्लीज़ गॉड, शी सेड इन विस्पर, मे हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, कि प्लीज़ गॉड, काश वो अभी भी ऐसे सोचे कि मैं अभी भी बहुत खूबसूरत हूँ. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने हेयर कट ले लिया तो मैं अब अच्छी ना लगूँ उन्हें. द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन, दरवाज़ा खुला और जो जिम है वो अंदर आए. ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वो भी बहुत ज़्यादा पतले से एंड बहुत ज़्यादा सीरियस से लग रहे थे. पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22 एंड वॉज बर्डन विद द फैमिली. जो जिम था उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 22 थी एंड उसके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन था, तभी तो उसने जिससे शादी की थी, एंड दैट्स ऑल. सो ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट एंड डिडंट हैव अ ग्लोव्स ऑल्सो, उसे एक ओवरकोट की ज़रूरत थी और उसके पास अब ग्लोव्स भी नहीं थे जिसे विंटर्स में पहनने के लिए. ही स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, वो अंदर आके रुका. इट सीम्ड एज इफ ही हैड टर्न्ड इनटू अ स्टैचू, ऐसे लग रहा था कि वो एक तरह से एक स्टैचू की तरह हो गए, मतलब वो फ्रीज हो गए हैं उसे देखते ही. हिज आइज वर फिक्स्ड अपॉन डेला, मतलब वो डेला को ऐसे मतलब ऐसे देख रहे थे, उसे स्टेयर कर रहे थे. देयर वॉज इन देम अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दैट शी कुडंट रीड, लेकिन जो जिम थे उसकी आइज में एक अजीब तरह से एक्सप्रेशन था. स्ट्रेंज एक्सप्रेशन का मीन्स क्या है, एक अजीब सा एक्सप्रेशन था जो कि जो डेला थी उसे समझ नहीं आया, बिकॉज जो डेला थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी. ही इट टेरिफाइड हर, इट वॉज नीदर एंगर नॉट सरप्राइज, मतलब ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी. टेरिफाइड मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ऐसा भी नहीं था कि वो गुस्से में थी, ना ही वो मतलब शॉक थी. ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सडली, वो सिर्फ और सिर्फ उसे फिक्सडली का मतलब क्या है, स्टेडली, मतलब वो कॉन्स्टेंटली उसे देख रहा था, ऐसे घूर रहा था. डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम, रिगल्ड मीन्स मूव्ड अवे क्विकली एंड फियरफुली. जो डेला थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि उसके हस्बैंड क्या बोलेंगे, सो वो बहुत ज़्यादा फटाफट से वहाँ से चली गई ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम, और वो दोनों साथ मतलब एक बार चले गए, वो एक साथ चले. ये उसकी इमेज है. जिम डार्लिंग शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे,
अब जो डेल है वो बोलती है कि जिम डार्लिंग प्लीज़ मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, कि मैंने अपने हेयर कटवा लिए और मैंने उन्हें सेल कर दिया, मतलब मैंने उन्हें बेच दिया। आई डिड बिकॉज आई कुडंट लीव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट, क्योंकि मैं एक ऐसे क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी कि मैं तुम्हें कोई भी गिफ्ट ना दूँ, मैं तुम्हें कोई भी तोहफा ना दूँ। इट विल ग्रो आउट अगेन, कि दोबारा मतलब बड़े हो जाएंगे, दोबारा ग्रो हो जाएंगे मेरे हेयर, यू वॉन्ट माइंड इट विल यू, कि तुम प्लीज़ माइंड मत करना इस बात को, आई जस्ट हैड टू डू इट, बस मैंने कर दिया, माई हेयर ग्रो सो फास्ट, यू नो आपको पता ही है कि मेरे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। मेरी क्रिसमस जिम, वो उसे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से प्यार से वो उसे विश करती है, मेरी क्रिसमस जिम, नाउ कम लेट्स बी हैप्पी, आओ चलो अब खुश होते हैं, यू डोंट नो व्हाट अ नाइस एंड ब्यूटिफुल गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, कि तुम सोच भी नहीं सकते मैंने तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। देन यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आस्क जिम, अब जिम पूछता है कि तुमने अपने बालों को कट कर लिया, एज इफ ही हैड नॉट बिलीव्ड हो, उसे अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा था इस बात के ऊपर, बिकॉज उसकी फैमिली में सिर्फ दो ही पोजेशंस थी जिनकी वजह से जिम और डेला को बहुत ज़्यादा प्राइड फील होता था। कट ऑफ एंड सोल्ड, सेड डेला, डेला बोलती है कि हाँ कटवा दिया और मैंने उन्हें सेल कर दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, कि क्या तुम्हें मैं ऐसी अच्छी नहीं लग रही हूँ, आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड आई, कि मैं अभी भी मेरे बाल अब छोटे हो गए हैं लेकिन मैं तो मैं ही हूँ, मतलब वो मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं है, कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं अभी भी वही हूँ। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, मतलब जिम अब रूम की तरफ ऐसे हैरानी भरे उससे थोड़ा सा क्यूरियस होकर देखने लग गया। यू नीडंट लुक फॉर इट, सेड डेला, तो फिर डेला बोलती है कि तुम्हें ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स सोल्ड, कि मैंने सीरियसली मैं अपने बालों को बेच दिया है, आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन टू, मैंने तुम्हें बता दिया बेच दिया और वो चले भी गए हैं। इट्स क्रिसमस ईव डियर, बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू, कि ये अब क्रिसमस की इवनिंग है तो तुम मेरे साथ अच्छी तरह से रहो, सो क्योंकि अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। नोबडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी इंसान मेरे प्यार को काउंट नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, कि हाउ मच आई लव यू, कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, इस चीज़ को कोई भी इंसान मेजर नहीं कर सकता, सो मेरे लिए हेयर कट जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। शैल आई पुट द चॉप्स ऑन डियर, कि क्या मुझे मतलब हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस तो मैं चॉप्स ले आती हूँ, चॉप्स मीन्स जो थिक स्लाइसेस थी मीट की, दैट्स। सो जिम सेम टू वेक अप एज इफ फ्रॉम अ ड्रीम, तो जिम को ऐसे लगा जैसे कोई वो सपने में जागा, जैसे कोई उसको कोई बुरा सपना आ रहा है। ही ड्रू ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट, उसने अपने जो उसने कोट पहना हुआ था उसमें से उसने एक चीज़ निकाली, एक पैकेज निकाला, एंड थ्रू इट ऑन द अपॉन द टेबल, और उसने टेबल पे उसे रख दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट मी डेला, कि तुमने कोई मेरे लिए तुम कोई भी गलती मत करो, उसने कहा। आई डोंट थिंक अ हेयर कट कुड मेक माई लव फॉर यू एनी लेस, कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा हेयर कट मेरे की वजह से मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई कम प्यार होगा, बट इफ़ यू अनरैप दैट पैकेज यू विल सी वाई आई लुक सो लोस्ट एट फर्स्ट, लेकिन एक बार तुम इस पैकेज को खोलोगे, जैसे जो जिम था वो भी अपनी वाइफ डेला के लिए गिफ्ट लेके आया हुआ था, तो और उसने कहा कि तुम एक बार इसे रैप क्या होता है कवर करना, अनरैप मीन्स उसकी कवरिंग को रिमूव करना, उसकी कवरिंग को हटाना, तो एक बार तुम इस पैकेज को हटाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड या फिर इतना ज़्यादा खोया खोया सा क्यों लग रहा हूँ। White fingers at one store at the string and the paper. जो उसकी fingers थी, white fingers की, वो एक तरह से मतलब सफ़ेद हो जाना, like मतलब डर के मारे कह लो या फिर आप एक तरह से freeze हो जाना चीज़ों को, तो उसने टोरेट का मतलब क्या है, टोरेट means remove by, उसने इसे खींच के उनको फाड़ दिया paper को। Then came a stream of joy which quickly changed into remaining tears and then cries. तो उसने एक तरह से मतलब खुशी के मारे उसने ऐसे चिल्लाई वो, विद विच क्विकली चेंज्ड इनटू, जो कि फटाफट से कन्वर्ट हो गया रेमिनेंट टीयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा टीयर्स आंसुओं में, और वो फाइनली रोने लगी, कौन, डेला। फॉर देयर ले द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स, उसके अंदर क्या था, द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स, कॉम्स मीन्स एक ऑर्नामेंटल पीस विद टिथ, जैसे कि बालों को में डेकोरेट करने के लिए एक जैसे पिन होता है या फिर एक सेट ऑफ कॉम्स, मतलब बालों का जो एक ऑर्नामेंटल पीस होता है जिसको हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, और वो लंबे बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपने ऐसे कभी नोटिस किया हो, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में कई बार दिखाते हैं गर्ल्स के हेयर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर क्लिप्स होते हैं, इस तरह से वो था।
दैट डेला हैड वर्कशिप फॉर मेनी मंथ्स इन अ शॉप विंडो, जो कि डेला उस चीज़ के लिए विश कर रही थी एक तरह से, वो बहुत ज़्यादा मतलब पूजा ही कर रही थी कि काश उसे वो चीज़ें मिल जाएं। तो उसके अंदर क्या था, द सेट ऑफ कॉम्स था, उसके अंदर तो कॉम्स थे, वो चीज़ें थी, दैट इज़ अ ऑर्नामेंटल पीस विथ टिथ। सो दे वर ब्यूटिफुल कॉम्स मेड ऑफ प्योर टॉर्टॉइस शेल एंड हैड ज्वेल्ड रिम्स। वो एक बहुत सुंदर क्या थे, कॉम्स थे मेड ऑफ प्योर टॉर्टॉइस शेल, जो कि एक तरह से जो कछुए की जो शेल होती है वो उससे बने हुए थे, और उसके अंदर खूबसूरत से रिम्स लगे हुए थे। दे वर जस्ट द कलर टू वेयर इन डेलास ब्यूटिफुल वैनिश्ड हेयर। लेकिन अभी वो क्या थे, उसके बालों में लगने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो एक तरह से कलर ही था, क्योंकि अब उसने अपने हेयर कट करवा लिए थे। सो वो उन चीज़ों को कहाँ पे, उन चीज़ों को वेयर करती, कहाँ पे उन चीज़ों को पहनती। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्ब शी न्यू, उसे पता था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हर हार्ट हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजिशन। जो उसके दिल में एक जैसे होते हैं ना छिपी हुई इच्छाएं थी कि वो उसे हमेशा से पहनना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि वो लाइफ में कभी भी इन चीज़ों को बाय कर सकती है, क्योंकि उसके वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। एंड नाउ दे वर हेयर्स ऑन, फाइनली अब उसके पास वो ऑर्नामेंटल पीसेस थे, वो कॉम्स थे, बट द ड्रेसेस दैट शुड हैव अडॉर्न्ड दे वर गॉन। लेकिन जो ड्रेसेस थे, लेकिन जो उसके लंबे लंबे बाल थे खूबसूरत से, जो उसके हेयर थे, अब फाइनली वो उसके पास नहीं थे जिसके अंदर वो उसे एडोन करती। एडोन का मीन्स क्या है, जहाँ से वो उसे डेकोरेट करती, उनको सजाती। देन डेला हग द कॉम्स टू हर बॉसम एंड किस्ड देम, कि जो डेला थे उसने कॉम्स को एक तरह से अपने जैसे सीने से लगाया और उसे किस किया। देन शी लुक्ड अप एंड स्माइल्ड थ्रू हर टीयर्स, अब वो एक तरह से हंस भी रही थी और वो रो भी रही थी। जिम माई हेयर ग्रोज सो फास्ट शी सेड, वो कहती है कि जिम मेरे बाल बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। जिम हैड नॉट सीन हिज ब्यूटिफुल प्रेजेंट, जिम ने अभी तक भी उसका फाइनली उसका खूबसूरत सा गिफ्ट है वो नहीं देखा था। वेरी ईगरली शी हेल्ड इट आउट टू हिम अपॉन हिज हर ओपन आर्म, तो उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर डेला ने उसने अपने हथेली पे उसको रख दिया, किसको, जो वो जिम के लिए प्रेजेंट लेके आई हुई थी उसे, उसके एक्सप्रेशंस को नोट करने के लिए। Isn't it lovely, Jim? She said. I hunted all over the town to find it. You'll have to look at your watch 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on you. तो वो जो उसके लिए फॉब चेन लेके आई थी उसने अपने हथेली पे रख दिया। तो उसने बताया कि आई हंटेड, मतलब मैंने इसे फाइंड आउट किया पूरे के पूरे टाउन में, एंड तुम अपने जो वॉच होते हो उसे दिन में करीबन 100 बार देखते हो, तुम मुझे अपनी वॉच दो, मैं देखती हूँ कि इस जो चीज जो ये चेन है ये तुम्हारी वॉच के साथ कैसे लगेगी। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, जिम टम्बल डाउन ऑन द काउच, तो मतलब बजाय कि अपनी वॉच को दिखाने के लिए जिम टम्बल डाउन, टम्बल डाउन का मतलब क्या है, वो एक तरह से गिर गया अपने काउच पे, कि मतलब दुख के मारे या फिर बहुत ज़्यादा सैड होने की वजह से वैसे बैठ गया। मतलब ही पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड, जो उसने अपने हाथ थे वो उसने अपने ऐसे मतलब यूं सिर पे रख दिए और उसने ऐसे स्माइल किया, मतलब जैसे परेशान होकर हम अपना हाथ सिर पे रख देते हैं इस तरह से। डेला ही सेड लेट्स पुट अवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे फॉर अ वाइल, वो डेला को बोलता है कि चलो हम जो हमें क्रिसमस के जो गिफ्ट मिले हैं हम, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय उसने क्या बोला कि हम इनको चलो एक तरफ रख देते हैं। They are too nice to use just as a present. कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। I sold the watch to get money for your combs. कि तुम्हारे बालों के लिए combs को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए मैंने अपनी घड़ी को बेच दी है। एंड नाउ विल यू पुट द चॉप्स ऑन, और वो उसके बाद कहता है कि चलो अब तुम फाइनली मतलब मुझे खाना बना दो या फिर तुम चॉप्स को ऑन कर दो, यानी कि तुम हम फाइनली अपना मील करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, जो जिम थी उसने अपने हेयर को सेल कर दिया अपने हस्बैंड के लिए, एंड जो हस्बैंड थे जो उन्होंने अपनी वॉच को सेल कर दिया अपनी वाइफ की खुशी के लिए। सो एक दूसरे से उन्होंने अपनी बेस्ट चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया एक दूसरे को शो करने के लिए, एक दूसरे के लव को शो करने के लिए क्रिसमस के ओकेजन पे। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई होप यू रियली लाइक द स्टोरी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ब्यूटिफुल डे।